अस्सलाम वालेकुम। आज हमें सूफिया किराम, अम्मा किराम, रमज़ानपुरा, मालदा, दरेगांव, इन इलाक़ों से याद किया गया बंडू काका बच्चाओं की हमायत के लिए। हम सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ आवाम से ये गुजारिश करते हैं, महाविकास आघाड़ी के नाम पे टिकट लेने वाला शख्स डॉक्टर अदय आबा हीरे, जो अपनी संस्थाओं को बचाने के लिए मंत्री दादा भुसे साहब से बिक गया और बिकने के साथ साथ उसने हम लोगों के साथ भी खेत किया, हम लोगों के साथ भी धोखाधड़ी की है। इसलिए आज ज़रूरत है कि हर समाज, हर मज़हब को समझने वाला, उनके जज्बात और उनकी तकलीफ़ों का एहसास करने वाला बंडू काका बच्चाओ, जो हम लोगों के बीच हर वक्त आता है, हम लोगों के बीच हर वक्त रहता है, एक फ़ोन पर हमारे वो बार बार यहाँ आ जाता है, उसके बावजूद भी हम लोग सेकुलर के नाम पे उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं कुछ लोग, और दादा भुसे के बोलने पर उसकी संस्थाओं के कुछ टीचर रमज़ानपुरे के अंदर पैसे की वाटप कर रहे हैं ताकि बंडू काका बच्चाओं की वोट कटे। मैं तमाम ही लोग से गुजारिश करता हूँ कि कल सुबह होते ही 7 बजे उठ के अपनी वोटर बेदारी का सबूत देते हुए 11 नंबर की बटन दबाकर रिश्ता निशान पर अपनी बटन दबाए और बेहतरीन शख्स को चुनकर लाए, ताकि आने वाला वक्त रमज़ान पूरा ही नहीं, पूरे आउटर के लिए बेहतर मुतबादिल का वक्त है, बदलाव आने वाला है और बदलाव लाने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर वोट देने की ज़रूरत है। कल सुबह उठ के आप लोग वोट दें और अपनी बेदारी का सबूत अदा करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरे महाराष्ट्र में असेंबली चुनाव का बुगुल बज चुका है और आखिरी मराहिल हमारे दरमियान से गुज़र रहे। मालेगांव आउटर, जिसमें मुस्लिम तयाना, मालदा, रमज़ानपुरा और इसके अलावा अतराफ में कसीर तादाद में मुसलमानों की आबादी है, और हम देख रहे हैं कि 15-20 सालों से मुसलसल माननीय दादा भुसे साहब जो सरकार में रहे, मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, होना तो ये चाहिए था कि जो आउटर का हमारा हिस्सा है, मालदा है, दयाना है, रमज़ानपुरा है, इसको दुल्हन की तरह सज जाना चाहिए था। मगर देखने में आया है कि आज हम जाते हैं मालदा और दयाना में तो वहाँ की सड़कें, रोड, गटर, नल, लाइट, इन तमाम बुनियादी सहूलियात को लेकर ऐसा लगता है कि हम किसी बिछड़े हुए देहात में, खेड़े में आ चुके हैं। इस तरीके का माहौल एक मंत्री के, जो 15 साल से मिनिस्टर रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर, कभी सहयोगी सरकार का सहयोगी रहता है, कभी खुद सरकार में रहते, ऐसा एक आमदार जिसको मुसलमानों की ओर से, मुसलमानों की अक्सरियत की ओर से, क्योंकि 3 मरतबा से अगर वो आमदार है तो यकीनन इसमें मुसलमानों का 4 मरतबा से आमदार रहे हैं, तो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद उनके साथ एक बड़ी अक्सरियत थी। मगर आज देखने में आ रहा है कि उनके सामने जो डॉक्टर अदय आबा हीरे साहब है, उनका मामला तो ऐसा है कि 5 साल वो समाज में, सोसाइटी में और हमारे इलाकों में नज़र नहीं आते, और आज वो मंत्री दादा भुसे को फाइट देने की ताकत में और पावर में नहीं है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि वो या तो मैनेज हो चुके हैं या उनको इलेक्शन लड़ना नहीं आता। तो हमें ऐसा लगा कि बंडू काका बच्चा जो ना मिनिस्टर रहे हैं, ना खासदार रहे हैं, ना आमदार रहे, उसके बावजूद हम जब भी देखते हैं मालेगांव सेंट्रल का मामला हो, चाहे आउटर का मामला हो, मुसलमानों का मामला हो या किसी भी जाति का मामला हो, हमने कभी भी जो है मसलक, जात, बिरादरी और ज़ात पात की सियासत की बात नहीं की, हमने अमन और शांति की बात की है। इसी तरीके से बंडू काका बच्चाओ साहब ने, बहुत पुरानी बात नहीं, अभी पिछले गुज़िश्ता 2-4 महीना पहले मालेगांव शहर के जो मस्जिद के इमाम होते हैं, जो बहुत ज़्यादा उनकी मामूली तनख्वाह होती है, गरीब होते हैं अक्सर, 21 लोगों को जो है उमरा के लिए भेजा अपने ज़ाती खर्च से। ये इतना बड़ा काम है कि पूरी कौम ने जो है उनको इस काम के लिए सलाम किया। इसी तरीके से हमारे आयशा नगर में नूरी हॉल के पास आग लगी, रमज़ानपुरा संजरी चौक में आग लगी, तो उसमें इन्होंने माली ताउन किया, लोगों को बर्तन से, साज और सामान से उनका ताउन किया था। लॉकडाउन के अंदर जहाँ बीजेपी के एक खासदार ने कहा था कि मालेगांव शहर वालों को जो है हमारे शहर में घुसने ना दिया जाए, ऐसे हालात में बंडू काका बच्चाओ साहब ने राम रहीम
हॉस्पिटल की स्थापना डाली और उसमें तमाम लोगों के लिए अपनी बाहें फैला दी, जिसमें हिंदू मुस्लिम और अतराफ के तमाम लोग जो है जाकर उसमें इस्तेफादा हासिल किए। इसी तरीके से इज्तिमाई शादी हो, किसी भी तरीके का मामला हो, बंडू काका बच्चाओ साहब हमेशा जो आगे नज़र आते। तो यहाँ पर आज जो बैठे हुए हैं तंजीम इत्तेहादुस्सूफिया, एक सूफिया कराम की, उलमा कराम की, खानकाहों की और दरगाहों के ज़िम्मेदारान की एक बहुत बड़ी तंजीम है। इसी के साथ साथ दीगर समाजी, मिल्ली, सियासी, समाजी तंजीमें जो है हमारे दरमियान मौजूद है। हमने बहुत सोच विचार करके एक फ़ैसला लिया, क्योंकि हम आखिर तक के ये देखना चाहते थे कि कौन जो है हमारे मसाइल को हल कर सकता है, क्योंकि आउटर का इलाके में रोड गटरे का बुनियादी सहूलियात के अलावा ना हॉस्पिटल की सहूलत है, ना रोज़गार की सहूलत है, ना स्कूल और कॉलेजेस की सहूलत है। इन तमाम जो है सहूलतों को पूरा करने की अगर किसी में सलाहियत नज़र आई तो हमें बंडू काका बच्चाओ साहब में नज़र आई। और यकीनन हमें उम्मीद है कि बंडू काका बच्चाओ जिस तरीके से किसी ओहदे पे ना रहते हुए शहर के लिए बिला तफरीक मज़हब के काम किया है, हमारी कुछ डिमांड है, मशरूत हिमायत है, इंशाल्लाह वो काम करेंगे। और हमारे जितने भी यहाँ पर बैठे, मैं उन तंजीमों का नाम आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले तो ये तंजीम इत्तेहादुस्सूफिया एक शहर की बड़ी सूफिया कराम की तंजीम है, जो हर समाजी, फलाही, मिल्ली मसाइल पर बेबाकी से आवाज़ उठाती है। इसी के साथ साथ हमारे दरमियान जो है हिफाजत ग्रुप है, मुजम्मिल अलीमी साहब है खानका नवाजिया रमज़ानपुरे से, सूफ़ी कलीम अहमद कादरी साहब है मखदूम साबिर एकेडमी रमज़ानपुरा, इसी तरीके से सूफ़ी सुल्तान अलीमी साहब है, सूफ़ी मुदस्सिर हुसैन अलीमी साहब है, सूफ़ी अल्ताफ़ हुसैन है फैज़ान पंजतन ग्रुप रमज़ानपुरा, आबिद हुसैन अशरफी साहब है ऑल इंडिया उलमा मसाइक बोर्ड रमज़ानपुरा मालेगाँव से। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा पत्रकार तंजीम है, मोहम्मद यूसुफ़ राना साहब अदारे निशान हिंद, अब्दुल रहमान साहब यूनिक एजुकेशन सोसाइटी दयाना, अशफाक अहमद अदारे शाबान मालदा, मौलाना इम्तियाज़ कदीरी साहब कदीरी एकेडमी रमज़ानपुरा, हाफिज़ हामिद अशरफी साहब रमज़ानपुरा। इसी तरीके से एक लंबी फहरिस्त है, हाफिज़ अब्दुल बासित साहब, हाफिज़ अब्दुल खालिक साहब, हाफिज़ अबरार साहब, अब्दुल मन्नान साहब, हामिद रज़ा साहब, नूरुल हसन, मोहम्मद उस्मान। इसी तरीके से और भी अनगिनत जो है तंजीमें जिसमें इन तमाम लोगों का नाम दर्ज है। ये तंजीमें जो एक तंजीम नहीं है, ये 5 साल अवाम के दरमियान रहकर अवाम के मसाइल पर, तमाम मसाइलों, इंसानियत के लिए, समाज के लिए खिदमत करने वाली एक बहुत बड़ी तंजीम है। और हम आज ये मुत्तफ़िका फ़ैसला लिए कि बंडू काका बच्चाओ, उनके प्रतिनिधि, उनके सहयोगी हमारे दरमियान, कमलाकर पवार साहब हमारे दरमियान आए हैं, उनके साथ दीगर ज़िम्मेदारान आए हैं, हमने ये फ़ैसला लिया है तंजीम इत्तेहादुस्सूफिया और दीगर जिन लोगों का नाम लिया है मैं, मशरूत हिमायत देंगे हम उनको कि आउटर में जो आज बुनियादी सहूलियात के साथ साथ हॉस्पिटल का जो मामला है, बीमारियां, गंदगी की वजह से बेइंतहा बीमारियों का मसला है, एक अच्छा हॉस्पिटल हमारे दरमियान नहीं है, इसी के साथ साथ अच्छे कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और दीगर रोज़गार के ताल्लुक से, महिलाओं के ताल्लुक से, बैतुलखला और दीगर तमाम चीज़ें, हम बंडू काका बच्चाओं से इस तरीके की हिमायत करते हैं। और हम ये उन्हें यकीन दिलाते हैं कि ये जितनी भी तंजीमें इंशाल्लाह आज से और अभी से तन मन धन से मैं लोगों के दरमियान जाकर इंशाल्लाह बंडू काका बच्चाओ एक तब्दीली की लहर आउटर में फैली हुई है और मंत्री दादा भुसे साहब का बोलिया बिस्तरा जो है गुल होने की कगार पर है। और हम इनका यकीन दिलाते हैं और हम इनसे गुजारिश करेंगे कि आप बंडू काका बच्चाओ साहब से हमारी इन तमाम तंजीम मशरूत जो हिमायत है इन पर गौर करें और इनका जो है पूरा करने की, क्योंकि आज बंडू काका बच्चाओं के लिए कि देखी गई ना मुझसे अंधेरों की सरकसी, फिर आफ्ताब बन के निकलना पड़ा मुझे। हम शाहिद भाई नमस्ते, मैं बंडू काका की ओर से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तंजीम इत्तेहादुस्सूफिया मालेगांव, इन्होंने जो हिमायत दी है उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।